start of the life cycles? The life cycles in general now. Yesterday we finished with the life cycle of the gymnos and the NGOs. And NGO के लिए हमने एनजीओस्पर्मी के लिए हमने पूरा प्रॉपर जो लाइफ साइकिल पढ़ा कल, दैट वॉज अ कम्प्लीट लाइफ साइकिल विद ऑल द पिक्चर्स, पिक्टोरियल डायग्राम एज वेल एज देयर स्टेजेस. ठीक है, हमने जो कल डिस्कस की थी वो तो स्टेजेस भी थी उसके साथ. और अब हमने जो यहाँ पे आगे फर्दर डिस्कस करना है दैट इज इन अ जनरल. ठीक है, जनरल अगर हम व्यू देखें तो उनका फ्लो चार्ट बना के देखें तो वो कैसा नजर आएगा. सो दैट आर द डिफरेंट लाइफ साइकिल्स दैट विच कैन एग्जिबिट इन डिफरेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटेस. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल्स, बट जनरल व्यू ओनली, जनरल यू कैन से ओवरव्यू, राइट. सो कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल, दैट इज अ हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, एज द नेम इज सेइंग, haplontic means the major phase here will be a haploid phase, hai na. Haplontic ka matlab kya hai, jis bhi naam se isko shuruaat kari ja rahi hai, life cycle ka naam diya ja raha hai, wahi wala uska prominent phase hai. Prominent matlab uska main jo organized body hai. Theek hai, jaise aap logon ne characteristics likhe the, aapko yaad hai bryophyta trithophyta mein humne pehli line likhi thi, the main plant body is haploid, hai na, aise likha. The main plant body is diploid. ठीक है, वो main plant body है. Start कहाँ से करता है, ठीक है, लेकिन अगर वो haploid से start करता है और उसके बाद उसका पूरी life cycle में major जो phase है वो haploid रहेगा, तो हम इसको कहेंगे haplontic life cycle. ठीक है, समझ आ गया. एक तो उसका main plant body gametophytic होना चाहिए, दूसरा उसके major phases जो हैं, जैसे कल हमने draw किए थे तो मैंने बोला था major phases क्या हैं, डिप्लॉन्टिक थे, डिप्लॉइड थे, स्पोरोफिटिक जनरेशन था, है ना. तो अगर डिप्लॉइड फेज ज्यादा है तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, अगर हेप्लॉइड फेज ज्यादा है तो वो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा. सो यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से होगा, गेमिटोफाइट से. ठीक है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ गेमिटोफाइट द लाइफ साइकिल दैट इज अ हेप्लॉइड स्ट्रक्चर. आपकी एनसीईआरटी बुक्स में अभी ये जो बनाए हैं लाइफ साइकिल्स, ये गेमिटोफाइट नीचे बनाया हुआ है. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये तो नीचे लिखा हुआ है फिर ये हेप्लॉन्टिक कैसे हुआ, ये शुरू कैसे हुआ. दैट इज एनी वेज यू कैन राइट इट, ऐसे ऊपर स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, यहाँ से सर्कल स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, इस तरह से घुमा सकते हो, है ना, बेस से. यहाँ से भी अगर आप गेमिटोफाइट फाइट लिख के चलोगे तो वो भी सही है, बोथ वेज इट इज करेक्ट, राइट. डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस कि गेमिटोफाइट तो नीचे लिखा है, ऊपर क्यों नहीं लिखा. ठीक है, ओके. सो हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, गेमिटोफाइट, दैट इज अ हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, एन प्लॉइडी है इसकी, हेप्लॉइडी. ठीक है, देन इसके बाद जो ये गेमीट्स या स्पोर्स बनाता है, जो स्पोर्स बनेंगे, क्या इसमें मियोसिस चाहिए है? हाँ जी, डू दिस रिक्वायर द मियोसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स और द स्पोर्स फर्दर? नो, बिकॉज दिस ऑलरेडी इज एन. मियोसिस होगा तो एन वाई टू कंडीशन हो जाएगी विच इज नॉट फिजिबल, है ना. सो यहाँ पे जो इसने गेमीट्स बनाए, different type of the gametes banaye, they will be all N in nature, haploid gametes. ठीक है, तो ये बना रहा है haploid gametes. By what type of the cell division? Mitosis. So undergoing the cell division, mitosis, this forms a haploid gametes. ठीक है, हेप्लॉइड गेमीट, हेप्लॉइड गेमीट फ्रॉम टू डिफरेंट ओरिजिन्स. ठीक है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स में हम मेल और फीमेल भी अलग नहीं करते हैं, है ना. आपने पढ़ा ना, एल्गी में पढ़ा था आपने, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस गेमिटिक कंडीशंस जब मैंने आपको कराई, तो वहां पे मैंने आपको साथ में बताया था कि गेमीट्स जो वहां पे बन रहे हैं वो सेम इन साइज, डिफरेंट इन साइज, हैविंग फिलामेंट, नॉट हैविंग फिलामेंट, ये वाले स्ट्रक्चर्स की बातें करी हमने. तो वहां पे वी वर नॉट राइटिंग इट एज अ मेल और अ फीमेल गेमीट, इट वॉज ओनली इन द ओगैमस कंडीशन जहां पे हमने मेंशन किया था कि फीमेल गैमेट लार्ज इन साइज होता है और इमोटाइल होता है, वेयर इज मेल गैमेट इज मोटाइल. ठीक है, ओगैमस में, बट जनरल इट इज द गैमेट्स. ठीक है, सो दीज आर हेप्लॉइड गैमेट्स. नाउ हेप्लॉइड गैमेट्स, दे आर बोथ गोइंग टू फ्यूज फर्दर, ये फ्यूजन देंगे, है ना. सो जब इनकी फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, दे विल रिजल्ट इन टू द व्हाट स्ट्रक्चर, a diploid structure, hai na, that is a zygote. That is a zygote which will be formed after the fusion of the
gametes. Got it? And you done? Now, the zygote has to lead to the formation of this gametophyte. Zygote is 2N, gametophyte is N. अभी ये कैसे उसकी तरफ जाएगा, कैसा कौन सा स्ट्रक्चर बनाए कि ये हैप्लॉइड हो जाए, कौन सी डिवीजन अंडरगो करे? माइटोसिस, मियोसिस, बिकॉज नाउ इट हैज टू रिड्यूस. तो अब ये रिडक्शन देना है इसने, सो दिस इज अंडरगोइंग द मियोसिस नाउ, अंडरगोइंग मियोसिस जायगोट, है ना, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मियोसिस ओनली एंड दे आर कॉल्ड एज द मियोस्पोर्स. ठीक है, ये इसने बना दिए मियोस्पोर्स. मियोसिस से जो स्पोर्स बने उनको हमने नाम दे दिया मियोस्पोर्स. ठीक है, अब सिंपल स्पोर्स भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील. ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ द मियोस्पोर्स? हैप्लॉयड, है ना. बीइंग हैप्लॉयड नाउ दे विल बी ओनली सिंपली एंड सिंपली जर्मिनेटिंग फॉर्मिंग द गैमेटोफाइट. अब आगे आगे इन्होंने सिंपल जर्मिनेशन ही देना है ना. डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएंगी जर्मिनेशन की. सो यहाँ पे एरो पे लिख दीजिए, दिस इज जर्मिनेशन. सो व्हेन इट अंडरगोस द जर्मिनेशन इट फॉर्म्स अ गैमेटोफाइट बैक अगेन. गॉट इट? नाउ इन दिस इफ वी डिस्टिंग्विश द 2N फेज. अब 2N फेज कितना है? ये सेंटर है लाइफ साइकिल का. 2N फेज कितना है? सिर्फ जायगोट ये वाला, है ना. सो दिस इज द ओनली पार्ट विच शोज द स्पोरोफिटिक जनरेशन, 2N फेज, है ना. रेस्ट ऑल दिस कंप्लीट दैट शोज द गैमेटोफिटिक जनरेशन. सो दिस इज द गैमेटोफिटिक जनरेशन इज प्रेडोमिनेंट हियर, गैमेटोफिटिक जनरेशन. एंड लोअर इज स्पोरोफिटिक जनरेशन. तो स्पोरोफिटिक जनरेशन कम नजर आ रही है हमें, वेयर एज गैमेटोफिटिक जनरेशन ज्यादा नजर आ रही है. सो दैट इज व्हाई दिस लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज अ हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल. व्हाट इज दिस? दिस इज अ हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज मेंबर्स दैट विच शोज अ हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, दे आर एल्गी मेंबर्स, लोअर मेंबर्स, एल्गी मेंबर्स. Some of the algae, like Chlamydomonas, Chlorella, they show the haploidic life cycle. Okay? Clear? We also discussed the diploidic life cycle yesterday. Now only the pictorial representation of that diploidic life cycle. Kal humne pictorial representation kiya tha. Today we are going to do only the flowchart of it. That is a diploidic life cycle. Now from where the diploidic life cycle will start? Sporophyte, jaise kal humne shuru kiya tha. Very good. So this is a sporophyte. That is 2N structure. Then what after this 2N structure? Gamete production. And now how this gamete will be formed? Through meiosis. So the gametes which are produced, that is the male and the female gamete. आप मेल गेमीट और फीमेल गेमीट भी लिख सकते हैं, या आप सिंबल सिंबलाइज भी कर सकते हैं, या आप अकेला अकेला गेमीट भी लिख सकते हैं फ्रॉम टू ओरिजिन्स. ठीक है, मेल गेमीट एंड अ फीमेल गेमीट थ्रू मियोसिस. बोथ ऑफ दीज विल बी हैप्लॉइड इन देयर नेचर, है ना. अब इसके बाद क्या होगा? बोथ ऑफ दीज ऑल्सो अंडरगोज फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन एज यस्टरडे वी स्टडीड. सो दिस अंडरगोइंग फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ द गेमीट्स टेक्स प्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2N स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जायगोट. दिस इज अ यूनिवर्सल रूल दैट द गेमीट्स ऑलवेज हैव टू बी हैप्लॉइड एंड जायगोट ऑलवेज विल बी अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. Zygote is the only structure which is formed after the fusion of the gametes. ठीक है, zygote term सिर्फ उसके लिए दी जाती है जहां gametes की fusion से बनता है कोई structure. ठीक है, zygote 2N आ गया. अब main plant body 2N है तो आगे क्या करेगा ये?
मियोसिस तो नहीं करेगा, माइटोसिस करता जाएगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा. सो दैट इज नाउ द जायगोट दैट फर्दर फॉर्म्स द क्लीवेजेस एंड द जायगोट प्रोड्यूसेस द एम्ब्रियो. देन इट प्रोड्यूसेस द ऑर्गन्स ऑफ इट. दिस इज द जायगोट से बना एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का प्लॉयडी क्या होगा? इट विल बी टू एन, है ना, डिप्लॉयड. एम्ब्रियो से आगे फर्दर ये सीड वगैरह बनाएगा, सीड स्ट्रक्चर बनेगा, एंड अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्पोरोफाइट. आप सीड जनरेशन लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, सीड लिख सकते हो क्योंकि वो डिस्पर्सल करता है, आगे जाता है, लिख भी सकते हो. नहीं भी लिखोगे देन ऑल्सो इट इज ओके. एम्ब्रियो से सीधा जर्मिनेशन लिख दीजिए, स्पोरोफाइट पे चले जाओ. ठीक है, सो दिस इज अंडरगोइंग द जर्मिनेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पोरोफाइट. नाउ हाँ जी, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, सीड भी तो डिप्लॉयड है. हाँ हाँ हाँ, स्पोरोफाइट में एम्ब्रियो बनेगा क्योंकि यहाँ पे जायगोट ने आगे ही डेवलप करना है ना. ठीक है, स्पोरोफिटिक में ही बनेगा ना क्योंकि ये सेम नेचर के हैं. अदरवाइज अगर यहाँ रिड्यूस होना होता तो फिर एम्ब्रियो तो रिड्यूस स्ट्रक्चर होता नहीं है. ठीक है, हाँ जी. अब यहाँ पे अगर हम मार्क करें व्हाट इज द गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड व्हाट इज द स्पोरोफिटिक वन. गैमेटोफिटिक इज ओनली दिस मच, गैमेट्स वाली है ना. सो ये वाली आ गई, ये इस तरह से आपने लाइंस में बाइफर्केशन दे देना है. सो दिस इज द गैमेटोफिटिक जनरेशन. आई एम राइटिंग जीजी, गैमेटोफिटिक जनरेशन. एंड दिस इज द स्पोरोफिटिक जनरेशन एस जी, दैट इज 2N. बट व्हेन यू विल बी मेकिंग दीज और drawing these kind of the life cycles, you should write complete sporophytic generation. Clear? ठीक है, अब इसमें भी आप देखो diplontic phase ज्यादा है, diploid phase ज्यादा है. Start कहां से हुआ था? Diploid structure से. और phase ज्यादा कौन सा है? Diploid वाला. So अब ये क्या बना? Diplontic life cycle. एक चीज यहाँ पे देखनी है, आपने नोट करनी है, दैट इज द टू टाइप्स ऑफ द मियोसिस विच आर टेकिंग प्लेस. वन मियोसिस इज टेकिंग प्लेस हेयर इन द हैप्लॉइड हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल. वन मियोसिस इज हेयर, अनदर मियोसिस इज टेकिंग प्लेस हेयर, दैट इज इन द डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. दोनों मियोसिस अलग अलग है. ये वाली मियोसिस को हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस. This is gametic meiosis, whereas that meiosis, it is called as zygotic meiosis. मैं लिख देती हूँ, zygotic meiosis. This is gametic and zygotic. Why? Why they have been termed differently? Gametic meiosis is the one that which is required to take place for the formation of gametes. गैमेटिक मियोसिस के बाद स्ट्रक्चर हो रहा है, गैमेट्स बन रहा है ना. और जब हम जायगोटिक मियोसिस की बात करते हैं तो वी विल डिफाइन इट एज द मियोसिस विच इज टेकिंग प्लेस इन द जायगोट टू फॉर्म अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फर्दर. जो स्टार्टिंग में जायगोट में मियोसिस हो रहा है, दैट इज जायगोटिक मियोसिस. दोनों सेम है, मियोसिस तो सेम है, टर्म्स डिफरेंट है. गैमेटिक मियोसिस और zygotic meiosis, two types of the meiosis are taking place. Okay, gametic meiosis कौन सा हुआ? जिसने gametes बनाने हैं, वो वाला meiosis division जो gametes में result करेगा. zygotic meiosis क्या है? वो वाला meiotic division जो zygote में होगा. समझ गए? बनने तो देखो वही है ना, ये भी diploid phase में ही हो रही है meiosis और haploid बना रही है, ये भी diploid में ही हो रहा है, haploid ही बना रही है, चीज वही है. सिर्फ zygote और gametes को emphasize किया है, hence they have been given two different names. Got it? So this was the second diplontic life cycle, and the examples of the diplontic life cycle are the angiosperms and gymnosperms. Angiosperms and gymnosperms. ठीक है? नहीं, tridophyta, bryophyta में दोनों equal होते हैं phases.
गैमेटोफिटेक्मी और स्पोरोफिटेक्मी, ठीक है। हाँ जी क्लियर। शुरुआत उसमें भी स्पोरोफाइट से ही हो रही है, पर वहां पे स्पोरोफाइट से शुरुआत होके फेज इक्वल होते हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन के फेजेस इक्वल, ठीक है। हाँ जी ये क्लियर हो गया दोनों लाइफ साइकिल। किसी को कोई डाउट है? एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन टू ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी ऑल क्लियर, ओके। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द थर्ड वन, दैट इज हैप्लोडिप्लोंटिक, ठीक है। हैप्लोडिप्लोंटिक कहने का मतलब क्या है? मीन्स हाफ विल बी हैप्लोइड, हाफ विल बी डिप्लोइड, ठीक है। सो दैट इज हैप्लोडिप्लोंटिक। सो शैल आई इरेज? सो दिस इज हैप्लोडिप्लोंटिक एज द थर्ड लाइफ साइकिल नाउ, दैट इज हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, द नेम सेज इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ हैप्लोइड फेज, ठीक है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ डिप्लोइड फेज देन वी कैन कॉल इट एज अ डिप्लोहैप्लोंटिक, ठीक है। वैसे डिप्लोहैप्लोंटिक जो है वो रेयर स्पीशीज में हम लोग उसको जोड़ते हैं, अदरवाइज मोस्ट कॉमनली इन द ब्रायोफाइटा एंड ट्रिडोफाइटा इट इज हैप्लोडिप्लोंटिक, ठीक है। सो दिस इज हैप्लो मीन्स गैमेटोफिटिक जनरेशन। एक्चुअली ये दोनों का मतलब यहाँ पे सिग्निफाई ये कर रहा है, इट इज हाफ एंड हाफ, ठीक है। गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट एंड अ स्पोरोफाइट, दिस इज अ गैमेटोफाइट। एग्जैक्ट हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल विल बी बेयर्ड अप बाय बोथ द फेजेस, सो दिस इज अ स्पोरोफाइट। टू मेक इट सिमेट्रिकल वी कैन जस्ट राइट लाइक दिस, एग्जैक्ट हाफ ऑफ आ जाए तो उसके लिए हम पहले ही स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट मेंशन कर देते हैं। नाउ गैमेटोफाइट this will be producing what? Gametes of two different you can say origins. So this is producing a gamete, producing a gamete, undergoing which division? Mitosis. So this is undergoing mitosis, gametes. The two gametes will now fuse, forming what? A zygote. Zygote will be formed, which is a two-end structure. This is because of the fusion or fertilization. Okay, the zygote further germinates, forming the sporophyte, which is a diploid phase. Got it? Similarly, now the sporophyte has to now produce a gametophyte. Two-end ne n banana hai. Kaise banega? मियोसिस करेगा, अंडरगो मियोसिस अंडरगो करेगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, तो दिस विल बी फॉर्मिंग द स्पोर्स। पहले एक्चुअली स्पोरोफाइट एक स्पोर्स बनाता है, पहले नहीं मियोसिस करो, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स अंडरगो करते हैं मियोसिस डिवीजन, मियोटिक डिवीजन अंडरगो करेंगे, तो दिस इज मियोसिस अंडरगो करेंगे। इन स्पोर्स को भी हम नाम दे सकते हैं एज मियोस्पोर्स। The meiospores here, they are 2N, in which the meiosis is taking place. Sporophyte se spores produce hue, jo 2N the, unme meiosis hua. Aur jab ye meiosis hua, to aage further kya hua? There will be the spores produced, that which are now haploid in the nature. Theek hai? Meiospores haploid structures banayenge, jaise kal aapne kiya tha, microspore mother cell, baad mein microspore banata hai. है ना, तो ये मदर सेल की तरह है और ये माइक्रोस्पोर की तरह, सो 2N एंड N, ठीक है क्लियर। फिर इसके बाद फाइनल फर्दर जर्मिनेशन, एंड दैट जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर्स लीड्स टू द गैमेटोफाइट्स फॉर्मेशन, क्लियर। इसमें एम्ब्रियो क्यों आएगा? वही है, मतलब जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। जायगोट ने जब मल्टीपल क्लीवेजेस दे देनी होती हैं तो उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, यू कैन राइट दैट, ठीक है। हाँ जी ये क्लियर हो गया, राइट। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, सो दीज आर द स्पोर्स, दीज आर द गैमेट्स, रेस्ट नीचे सारा
that is all the phase is the sporophyte. So this is exact half of aage symmetry. ठीक है. So this is a gametophytic generation with haploid phase. This is a sporophytic generation with diploid phase. Done. This is diploid 2n. Okay. So this is a sporophytic generation and a gametophytic generation. Clear? So this is what. This is a. अब अगर हाफ हाफ में आपको नजर नहीं आ रहा तो लाइन थोड़ा नीचे से बना लेते तो एग्जैक्ट हाफ ही होता. एरोज के बीच में से निकालनी है. ठीक है. सो ये हाफ हाफ पूरा विद द जनरेशंस. सो दैट इज व्हाई बिकॉज हियर द हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड फेजेस बोथ द फेजेस आर ऑक्यूपाइंग द अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल. है ना. हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल इज ऑक्यूपाइड बाई दीज गैमेटोफिटिक फेजेस एंड हाफ इज ऑक्यूपाइड बाई द स्पोरोफिटिक फेजेस. That is why this is called as haplodiplontic life cycle. Dono cheezein equal hain. Theek hai. And the examples here, that which shows the plants, that which shows these, they are bryophytes, pteridophytes, some of the pteridophyta members. So they are involved in this. Theek hai. Still, हाँ sporophytic तो यहां से शुरू कर लो. मैंने सबसे पहला जो है plantic बनाया था तो मैंने यही कहा ना आपकी बुक में नीचे बनाया है gametophyte. अब मुझे इसका भी नहीं याद है कि कैसा बनाया है. वो तो जहां से मर्जी आप इसको कंसिडर करो. यहां से शुरू कर लो. ठीक है. ये यहां से शुरू करके ऐसे पढ़ लो. यहां से शुरू करके ऐसे पढ़ लो. है ना. अच्छा. देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस आल्सो राइट. दैट इज इन द ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स स्ट्रिडोफाइट्स एल्गी एनजीओ जिम्नो. देयर आर सम मेंबर्स दैट व्हिच आर एग्जेम्प्टेड. दे आर हैविंग द एक्सेप्शंस. ठीक है. That because they are exhibiting some other type of the life cycle. Those exceptions, as enlisted in the NCERT, you have to learn those. ठीक है. With an exception, अगर आपको simple सीधा example से पूछते हैं, what type of the life cycle is exhibited by Chlamydomonas? It is haplontic. But what type of the let's say life cycle is shown by the Ectocarpus? Ectocarpus से क्या आता है? That is an exception. ठीक है. That is an exception. It is not showing the haplodiplontic phase. Rather, it is showing the haplontic life cycle, I guess. आप एक बार चेक कर लेना. NCERT में exceptions mentioned हैं and you have to learn those, right? Clear with exceptions. If you will get the question with your example, then definitely that will be something altered. Not belonging to the groups. ये हम groups लिख रहे हैं. Examples नहीं. ठीक है. So these were the three life cycles and now finally we have finished this chapter of the kingdom Plantae. Now we have to start with the cell chapter that we'll do tomorrow. Anybody having any questions till then? Only 4 minutes are left for your period. Yes.